हेलो दोस्तों, तो आपका आज की वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम मोटिवेशनल रील बनाना सीखेंगे, वो भी 10 मिनट में। आप 100, 500 या 1000 जितने भी आप रील चाहो उतनी बना सकते हो। तो आज की वीडियो में हम इसी तरह की रील बनाना सीखेंगे, जैसे ये इस तरह से रील, कोर्स वाली रील, मोटिवेशनल। ये देखो, ये इंस्टाग्राम पे ये पेज है, इसने इस तरह की रील डाल के कितने सारे फॉलोअर गेन कर रखे हैं। इसी तरह से ये इस वाले पेज ने देखो कितनी सारे, मतलब कुछ है इसमें, ऐसे ही कुछ भी डाल रहा है और फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं। और काफ़ी, मुझे लगता है ये काफ़ी पैसा भी छाप रहा होगा मार्केटिंग के जरिए। तो इसने देखो सारी AI ही है और कुछ नहीं है लिखा हुआ है, बाकी कुछ किया नहीं है, और मतलब फॉलोअर बढ़ते ही जा रहे हैं एकदम काटे से। तो आप भी इसी तरह की रील बनाना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। जैसे ये AI मोटिवेशनल 002, इसने भी देखो सारे इसी तरह की बना रखी है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और हम दो टूल का यूज़ करेंगे, एक है ChatGPT। तो हम ChatGPT पे आते हैं और यहाँ से स्क्रिप्ट कॉपी करवा लेते हैं कि हमें किस तरह की वीडियो बनवानी है या किस तरह का। तो अभी हम ने स्क्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट कर दी है, आपको स्क्रिप्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहीं से कॉपी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे चाणक्य के कोर्स लिखवाए हैं, वो मैंने स्क्रिप्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने पहले उनको बोला था कि ये लिखो, उसके बाद मैंने उनको हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए बोला था ChatGPT से, जैसा कि आप देख ही रहे हो। उसके बाद मैं आपको इसको टेबल में बनवा रहा हूँ। मतलब सिंपली, अगर आपको पता नहीं है कि ChatGPT कैसी लैंग्वेज समझती है, तो मैं देखो आपके सामने ही सिंपली लैंग्वेज ही चला रहा हूँ, जैसे जो आम बोलचाल की भाषा होती है उसी लैंग्वेज में मैं कर रहा हूँ और ये मेरी लैंग्वेज समझ रही है। तो मतलब इसके लिए कोई फाड़ू इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी टूटी फूटी हिंदी या जो ये इंग्लिश होती है उसकी सहायता से भी आप इसमें कोड्स या प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हो। तो हम आते हैं कैनवा पे आने के बाद में हम यहाँ पे एक वीडियो सेलेक्ट करेंगे, वीडियो वाला फॉर्मेट, क्योंकि हमें, आप चाहो तो मैंने ये YouTube की वीडियो का फॉर्मेट सेलेक्ट किया, आप रील का भी कर सकते हो, शॉर्ट का भी कर सकते हो, सबका प्रोसेस सेम ही होने वाला है। बस मैं यहाँ पे YouTube का करके दिखा रहा हूँ ताकि जो लोग YouTube के लिए बनाना चाहते हैं तो वो इस तरह से बनाए। शॉर्ट के लिए भी सेम यही होगा, बस केवल ये वीडियो का फॉर्मेट बदल जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही होगा। तो ये अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, किस तरह से हमें इस वीडियो को शो करना है। उसके बाद में आना है, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इसको रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद में एलिमेंट में आना है और यहाँ पे बैकग्राउंड सर्च करना है, जो भी आपको बैकग्राउंड यहाँ पे सही लगे वो वाला बैकग्राउंड इसमें डाल देना है, और वो बैकग्राउंड अब यहाँ पे सेट एज बैकग्राउंड करना है। और ये काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड मिल गया हमें, काफ़ी इसके मतलब चाणक्य जी के चेहरे से मैच भी हो रहा है, तो अच्छा नसीब चल रहा है आजकल इनका। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स कोट्स के लिए होगा और एक होगा इनके राइटर के लिए। तो हम आते हैं और अपना पहला ये संदेश यानी कि कोट्स कॉपी करते हैं, क्या लिखा हुआ है, इसको जो भी लिखा है हमें उससे भी मतलब नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से आएंगे हम यहाँ पे दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स में, यहाँ पे इनका राइटर का नाम पेस्ट करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे इसका साइज एडजस्ट कर लेते हैं किस तरह से, क्योंकि काफ़ी जो टेक्स्ट होंगे वो बड़े भी होंगे, हाँ मतलब काफ़ी लाइनें जो बड़ी होंगी। तो आप, मेरी तो सलाह यही होगी, जो बड़ी लाइन है उनको डिलीट मार दो, या वो गूगल शीट में जाके डिलीट मार दो, और जो खाली लाइनें हैं मतलब छोटी लाइनें हैं उन्हीं को रखो, ताकि एक्यूरेसी बनी रहेगी। एक्यूरेसी तो बनी रहेगी, मतलब ओवरलैप नहीं होगा, राइटर के नाम के ऊपर लाइन नहीं जाएगी, वरना तो ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि लाइन बड़ी होगी तो जगह कम पड़ सकती है। तो इसलिए आप छोटी छोटी लाइनें ही लिखवाना और छोटी लाइनें ही लेना। तो इस तरह से हम यहाँ पे, अब यहाँ पे राइटर का नाम ले लेते हैं, तो अब इसमें पेस्ट कर देंगे। अब इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं ये लाइन को, जो भी है आप लगाना चाहो तो लगाना, पर मैं देख रहा हूँ किस तरह से सो, मतलब थोड़ी सजावट भी ज़रूरी है ना, तो इसलिए, वरना आपको ये तो सिंपल ही और लोग भी देखना पसंद नहीं करेंगे, तो सजावट थोड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इफ़ेक्ट वगैरह जो भी आपको एनिमेशन वगैरह डालना है, तो अभी इसमें, इनमें तो इनमें एनिमेशन हो गया है, इमेज में भी एनिमेशन डाल सकते हो, ये इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। फिलहाल में मुझे यही कलर अभी
मस्त लग रहा है तो इसलिए मैं ये ही रख रहा हूँ। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो इसमें, मतलब सारे टूल हैं। और हाँ, कैनवा वाली वीडियो आपने नहीं देखी जिसमें कैनवा फ्री में कैसे मिलता है, तो वो जाके ज़रूर देखो यार, आप लोगों को फ्री में मिलेगा। मैं भी फ्री का ही यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आएंगे हम, इनकी टाइमिंग एडजस्ट कर लेंगे। तो हम जहाँ से ये इसका ये संदेश यानी कि कोर्स ख़त्म होगा, वहीं से हम ये राइटर का नाम शुरू करेंगे। तो अभी देख लेते हैं हमारा संदेश कहाँ पे ख़त्म होगा, उसके बाद उसी हिसाब से हम यहाँ पे कोर्स में आएंगे, ये मतलब राइटर में वहीं पे एडजस्ट कर देंगे। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे टाइमिंग। तो अब इतने शुरू के 10 सेकंड ये हमारा संदेश ही रहेगा, उसके बाद हमारा ये आएगा। तो एनिमेट ये हो गया है, एनिमेट है। अब ये वाला एनिमेट अभी होने लगा है, देखो प्रॉपर एनिमेट हो रहा है। उसके बाद में अभी जैसे ही 10 सेकंड पूरे होंगे वो आ जाएगा। तो अभी इसमें भी एनिमेशन आप चाहो तो और भी किसी तरह का लगा सकते हो, लेकिन मुझे तो अभी ये पॉपअप वाला ही सही लगेगा। मैं ज़्यादातर पॉपअप वाला ही लगाता हूँ, आप कोई सा भी लगा सकते हो, ये जो भी आपकी मर्ज़ी हो। अब मैंने फ़ोटो पे भी लगा दिया, फ़ोटो पे भी आप लगा सकते हो, मैंने फेड वाला लगाया है, जो भी आपको। यहाँ पे तरह तरह के एनिमेशन है, तो आप कोई सा भी एनिमेशन लगा सकते हो। उसके बाद में हम यहाँ पे ऑडियो भी लगा लेते हैं, तो ऑडियो ऑडियो देखते हैं कौन सी सही रहेगी। उसके बाद में ये देखते हैं, हाँ ऑडियो पूरे में ही लगानी है, हाफ में ऑडियो नहीं लगानी है। तो अभी देखते हैं, जो भी आपको यहाँ से ऑडियो में आना है, जो भी सही ऑडियो लगे वो वाली ऑडियो लगा लेनी है। उसके बाद इसको पूरे में लगानी है, पूरे में लगाने के बाद में आपको चला के देख लेनी है, वॉल्यूम एडजस्ट कर लेनी है ताकि ज़्यादा ज़्यादा वॉल्यूम ना लगे। और उसके बाद में देखते हैं कि इस तरह से ये, हाँ तो अभी कुल मिला के ठीक लग रहा है। आप और भी कर सकते हो, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूँ, पूरा कैनवा कैसे यूज़ करना है। तो अभी फ़िलहाल में मैं अभी तो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि अभी लोग आप लोग देख नहीं रहे हो ज़्यादातर। जैसे ही सब्सक्राइबर है बेस बढ़ेगा मैं बनाऊँगा इस पर वीडियो। तो अभी देखते हैं, ये हमारा इस तरह से शो हो रहा है, फ़ोटो भी एनिमेट हो रहा है, टेक्स्ट भी एनिमेट हो रहा है, सब कुछ ठीक है। तो अब बारी आती है हमारी इसको बल्क क्रिएट करने की। तो बल्क क्रिएट करने के लिए इन सबको सेलेक्ट करना है और सबको डिलीट कर देना है, याद से रखना है ये बात। जो स्टेप मैं बोल रहा हूँ वो आपको याद रखना है, यानी कि सबको सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। क्या करना है, सबको सेलेक्ट और डिलीट करना है, ठीक है। ये मेन स्टेप है बल्क क्रिएट का। तो अभी मैंने डिलीट नहीं किया है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे ये गूगल शीट से पूरा डेटा यहाँ से कॉपी करूँगा, गूगल शीट में डालूंगा, और जो भी बड़ी बड़ी लाइनें होंगी वो मैं डिलीट करूँगा। तो अभी यहाँ से पूरा डेटा कॉपी हो चुका है, गूगल शीट में आना है और यहाँ पे ए वाले पे क्लिक करना है और ये यहाँ से पेस्ट कर देना है, इसका साइज एडजस्ट कर लेना है। अब जो भी बड़े बड़े हैं मैं वो सारा डिलीट कर रहा हूँ, देखो सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है। इसी तरह से आपको भी करना है, ताकि टेक्स्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो। इसी तरह से मैं सारी जितनी भी बड़ी लाइनें मुझे लगेंगी मैं वो सारा डिलीट कर दूंगा, और उसको मेरे को लेना ही नहीं है, क्योंकि फ़ायदा क्या है, एक रील के चक्कर में मैं 100 रील बना रहा हूँ तो 100 की 100 बेकार हो जाएं, या मतलब बीच बीच में बेकार निकले, तो मुझे वो नहीं चाहिए। मैं उसमें अभी तो आएंगे, उसके बाद में यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और ऊपर। अब यहाँ पे कनेक्ट डेटा करेंगे, यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे और संदेश वाले पे कनेक्ट कर देंगे, और लेखक वाले आएंगे इसमें भी कनेक्ट कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारी रील बन चुकी हैं। अब देखो ये है, आप चाहो तो एक ही मतलब एक ही ऑडियो सब में डाल सकते हो, या हर किसी में अलग अलग ऑडियो डाल सकते हो। तो अभी जो वीडियो बनाई है वो मैंने हर किसी के लिए अलग अलग ऑडियो बनाई है, यानी कि वो हर किसी में अलग अलग ऑडियो रहेगी, क्योंकि वो मैंने केवल एक ही रील के लिए वो वाली ऑडियो लगाई थी। अगर सब में एक ही ऑडियो लगानी है उसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से पहले ही बना रखी है। जैसे ये वो ब्लैंक पेज आ गया था, तो मैं इसको डिलीट करूँगा, ब्लैंक पेज वाले को यहाँ पे मैं डिलीट करूँगा। उसके बाद में मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, इस बार ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें सब में अलग अलग ऑडियो लगाई है मैंने, सब में अलग अलग ऑडियो लगाई है या लगाऊँगा।
और जो सब में सेम ऑडियो लगती है वो रील इस तरह से नहीं बनती है, शॉर्ट वो दूसरी तरह से बनती है। वो मैंने उन पर एक रील पहले ही, मतलब एक वीडियो पहले ही बना रखी है कि सभी में वो उसमें सभी में सेम ऑडियो आएगी। तो अभी हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, आप चाहो तो ये मैं क्योंकि पूरी वीडियो यूट्यूब के लिए बनाई तो एक साथ डाउनलोड करूँगा, और आप अगर रील बना रहा है तो वहाँ पर एक एक करके बारी बारी से डाउनलोड करना। वो भी मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया कि कैसे बारी बारी से एक एक करके आप इतनी सारी बल्क मतलब वीडियो बना लोगे, उसके बाद में एक एक करके कैसे डाउनलोड करनी है वो भी बताया हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वाली वीडियो जाके देख लो। और हाँ, अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर क्या रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और रील बनाओ और मतलब वायरल हो जाओ और आग लगा दो इंस्टाग्राम शॉर्ट पे, जो भी यूट्यूब पे, और टिकटॉक तो इंडिया में बैन ही है, उसका करोगे क्या। तो ये हमारी डाउनलोड हो चुकी है, अब इसको हम सेव कर लेते हैं। तो वेट करेंगे कि यहाँ पे सिंपली जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी आप पे, पता नहीं आपके को पता नहीं आता, लेकिन मैंने सेलेक्ट कर रखा है कि भाई जब भी आओ तो मेरे को लोकेशन शेयर करनी है कहाँ भी डाउनलोड होना है या कहाँ इसको जाना है। तो मैंने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद में हम इसको ओपन करेंगे, देखते हैं। ये देखो आप ऑडियो सुन पा रहे हो, देखो